सो गाइज लुक एट दिस चोको पाई, है ना एकदम मार्केट के जैसा दिखने में। इनफैक्ट ऐसा बोलो तो मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा दिखने में और बनाना उतना ही आसान। सो गाइज अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी ज़रूर क्लिक करें, इससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। Hey guys, welcome back to my channel. आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम अलग सी रेसिपी। बच्चों की फेवरेट है ये स्पेशली। चोको पाई बनाने जा रही हूँ मैं, जो कि बहुत 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 ईजी वे में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मैं अपने घर पे ही सिंपल तरीके से बिना गैस जलाए, बिना कुछ किए, मतलब कोई भी हमें बेक करने की ज़रूरत नहीं है, बिना बेक किए हम इसे आसानी से घर में बना सकते हैं और टेस्ट भी उतना ही मस्त आता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चोको पाई बिस्किट बनाने के लिए यहाँ पे कुछ सामान है जो हमें चाहिए होंगे। यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क ले रखा है जो कि होममेड है, और एक दो 1/4 कप 2 चम्मच यहाँ पे मिल्क पाउडर है, और थोड़ा सा स्प्रिंकल है, वाइट चॉकलेट है, ये डार्क कंपाउंड आता है, और यहाँ पे डार्क मैरीगोल्ड बिस्किट भी है। ये एक पैकेट बिस्किट मैंने यूज़ किया है। आप वैसे ये बिस्किट ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा चोको पाई बनाने के लिए। और यहाँ पे डार्क कंपाउंड चॉकलेट है जो कि इजीली हर बेकरी शॉप पे मिल जाता है। तो सबसे पहले हम कंडेंस मिल्क निकालेंगे एक कटोरी में, और उसमें ही हम मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप बड़ा चम्मच यूज़ कर रहे हो तो 2 बड़े चम्मच, मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा चम्मच है तो मैं यहाँ पे 3 छोटे चम्मच मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्रीम रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमें मार्शमेलो की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम बिना मार्शमेलो के हम चोको पाई बनाएंगे। तो हम ये जो हमारा मिश्र है ना, जो हमने कंडेंस मिल्क और मिल्क पाउडर से बनाया है, उसको लगा देंगे एक बिस्किट के ऊपर, और फिर उसके ऊपर दूसरा बिस्किट लगाएंगे, फिर उसके ऊपर भी हम ये बैटर लगाएंगे, और उसके ऊपर एक बिस्किट और लगा देंगे। तो ये देखो आप बिल्कुल ऐसे रेडी है। तो मैं ऐसे ही करके सारे को लगा के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पैकेट बिस्किट में 5 चोको पाई आराम से बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं, उसके लिए मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी जब उबलने लगेगा तो हम इसमें चॉकलेट के बाउल को डाल देंगे। यहाँ पे मैं डबल बॉइलिंग कर रही हूँ, आप चाहो तो माइक्रोवेव में भी गर्म कर सकते हो, बट ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका होता है चॉकलेट मेल्ट करने का। यहाँ पे मैंने डार्क कंपाउंड यूज़ किया है, ये इजीली मिलता है मार्केट में, ऑनलाइन या कहीं पे भी आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। नहीं तो आप जो प्लेन वाली डेयरी मिल्क चॉकलेट आती है ना, वो भी इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चॉकलेट मेल्ट होने लगा है एकदम अच्छे से। तो जब एकदम लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चॉकलेट मेल्ट हो चुका है, तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको भगोने को उसे पानी से गर्म करेंगे, ताकि जब तक पानी गर्म होगा चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक थाली पे प्लास्टिक शीट बिछा रखी है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे ही रखोगे ना तो चॉकलेट चोको पाई चिपक जाएगा प्लेट से। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप ऐसी कोई पन्नी हो आपके घर में तो वो आप लगा लो, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम जो बिस्किट सैंडविच बना के रखा है उसको हम चॉकलेट में डालेंगे, डिप करेंगे, और इसको एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल के हम इसे पन्नी पे रख देंगे। पन्नी पे हमें ऑयल ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली निकल जाएगा। आप देखना आगे वीडियो में, बहुत आसानी से निकल जाता है इसमें से, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो यहाँ पे हम ऐसे सभी बिस्किट को डिप करके चॉकलेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप अभी जैसे कि क्रिसमस आने वाला है और न्यू ईयर आने वाला है, तो आप ऐसे बना के स्टोर करके रख सकते हो, बहुत 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 यम होता है, ट्रस्ट मी बहुत पसंद आएगा सबको। अगर आप किसी को बोलोगे नहीं ना, तो कोई यकीन भी नहीं करेगा कि ये बिस्किट से बना हुआ चोको पाई है। ना हमें इसमें किसी चीज़ की बेक करने की ज़रूरत है, ना ही हमें मार्शमेलो की ज़रूरत है, कोई भी किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चॉकलेट लो और बिस्किट लो और हमारा चोको पाई बन के रेडी हो जाएगा। तो ऐसे हम सबको डिप करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डिप कर लिया, अभी इनको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 मिनट में ये सेट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ईजिली निकल रहा है, बिल्कुल भी नहीं चिपका हुआ है। सी इससे मैं बोला पन्नी यूज़ करना। सी तभी जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा व्हाइट
चॉकलेट ले रखा है मेल्ट करके, इसको सिर्फ डेकोरेशन के लिए। वाइट चॉकलेट टोटली ऑप्शनल है। सी इसे हम डेकोरेट करेंगे। डेकोरेशन का तरीका बिल्कुल आप अपने चॉइस से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही आप भी करो। कैसे भी रख सकते हो आप, ऐसे प्लेन भी रख सकते हो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो। मेरे पास छोटे मोटे से कुछ स्प्रिंकल्स और ये सब थे तो मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है। इससे थोड़ा लुक और अच्छा आता है ना, अगर हम पार्टी वगैरह में इसे सर्व करें तो ये लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है। आप इसे चाहो तो बच्चों के बर्थडे पार्टी वगैरह में भी बना सकते हो, कहीं पे भी आप बना सकते हो, न्यू ईयर पार्टी में, क्रिसमस पार्टी में, कहीं पे आप बना के इसे एंजॉय कर सकते हो। और इसे ज़रूर आप ट्राई करना और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। सी तो रेडी है पार्टी के लिए यहाँ पे चोकोपाई। लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, ऐसे एकदम मार्केट जैसा। इनफैक्ट मैं बोलूँ तो मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में। सो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और ट्राई करना। सो है ना एकदम इजी बनाना, और दिखने में कितना ब्यूटीफुल है, कितना मस्त दिख रहा है, और इसे बनाना भी उतना ही आसान है, आपने देखा भी होगा वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।